हाय स्टूडेंट्स, नमस्ते। माई सेल्फ व्यास भूमिका। टुडे आई विल टीच यू स्टैंडर्ड फोर्थ मैथ्स रिविजन फॉर FA3। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक, टेक अ पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन 1C। मैच द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। रिविजन लिखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनना। जब तक मैं आपको वैक्सीन के बारे में बता रही हूँ, तब तक आपको यही पिक्चर स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी वाला पिक्चर दिखाई देगा। तो अभी कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला कि वैक्सीन आपने ले ली है, लेकिन तो भी आपको सोशल डिस्टेंस रखना है और मास्क भी पहनना है। और एक बात, वैक्सीन की वजह से 25 लोगों को उसकी साइड इफ़ेक्ट हो चुकी है, तो इसीलिए हमें एकदम सेफ्टी रखनी पड़ेगी। और एक बात कि नरेंद्र मोदी ने अभी स्टार्टअप स्टैंडअप शुरू किया था, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। नरेंद्र मोदी ने उन प्रोजेक्ट्स को 14 मिनट्स तक सुना था और बाद में उसके बारे में बताया था कि सबने कैसा किया हुआ है। तो ये जो स्टार्टअप स्टैंडअप है, उसमें नए आइडियाज़ को सोच के कोई भी चीज़ में से कुछ भी नया बनाना। नरेंद्र मोदी ने ऐसा भी बोला था कि ये स्टार्टअप स्टैंडअप वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो आगे जाके वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन 1C। मैच द फॉलोइंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए को सेक्शन बी के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया है ए सेक्शन में डायमीटर एंड बी सेक्शन में रेडियस। तो आपको पता ही है कि रेडियस है वो डायमीटर से हाफ होता है, मतलब जितना मैंने रेडियस लिखा हुआ है तो सामने उसका हाफ कहीं पे भी लिखा होगा, तो उसके साथ हमें मैच करना है। मैंने पहले से ही किया हुआ है, लेकिन तो भी मैं आपको समझाती जाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का हाफ क्या होता है? 3। तो आप देख सकते हो कि मैंने सेक्शन बी में 3 सेंटीमीटर में मैच किया हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर है रेडियस वाली लाइन में 4th नंबर पे। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखना। तो आप देख सकते हो कि मैंने रेड कलर से मैच कर दिया है। नंबर 2 है 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। चलो मैं आपको बताती हूँ कि 18 सेंटीमीटर को कहाँ मैच करना है। देख सकते हो कि मैंने कलर से मैच किया हुआ है। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का हाफ होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि 7 सेंटीमीटर को मैंने बी सेक्शन में कहाँ मैच किया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने उसको पिंक कलर से मैच किया हुआ है। नंबर 4 है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर का हाफ होगा 8 सेंटीमीटर। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि उसको कहाँ पे मैच करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने फिर से पिंक कलर से मैच किया हुआ है। नेक्स्ट है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का हाफ होगा 12 सेंटीमीटर। तो चलो मैं आपको ये मैच करके बताती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने मैच करने के लिए ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का हाफ होगा 4 सेंटीमीटर। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि उसको कहाँ पे मैच करना है। आप देख सकते हो कि मैंने 8 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर के साथ मैच किया है। नेक्स्ट है, उसमें ऑक्टागन का पिक्चर है, मिडल में ऑक्टागन में कौन से पार्ट में कलर किया हुआ है वो है, और राइट साइड में जो पार्ट में कलर किया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वो दिया हुआ है। तो हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला जो है उसको
मिडल वाले स्पेलिंग के साथ मैच करना है। तो चलो फर्स्ट कहाँ पे मैच करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने मिडल वाले सेकंड स्पेलिंग के साथ फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला मैच किया है और राइट साइड में हाफ के स्पेलिंग को थर्ड नंबर पे 1/2 लिखा है वहाँ पे मैच किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑक्टागन का पिक्चर है उसमें सिर्फ एक ही पार्ट में कलर किया हुआ, मतलब वो हो गया क्वार्टर पार्ट। तो मिडिल में जहाँ पे क्वार्टर का स्पेलिंग लिखा है और राइट साइड में जहाँ पे क्वार्टर का फ्रैक्शन लिखा है वहाँ पे मैं आपको मैच करके बताती हूँ। आप देख सकते हो कि दोनों साइड मैंने मैच कर लिया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें पूरे ऑक्टागन में कलर किया हुआ है, तो फुल ऑक्टागन मतलब हॉल। तो मिडल में जहाँ पे हॉल का स्पेलिंग लिखा है और राइट साइड में जहाँ पे 4/4 और 1 लिखा है वहाँ पे मैं आपको मैच करके दिखाती हूँ। देख सकते हो कि मैंने दोनों साइड्स को मिडल में हॉल के स्पेलिंग के साथ मैच किया हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट है उसमें 3 पार्ट्स में कलर किया हुआ है, मतलब मिडल में 3 क्वार्टर का स्पेलिंग जहाँ पे है वहाँ पे और राइट साइड में जहाँ पे 3/4 लिखा है वहाँ पे मैं आपको मैच करके दिखाती हूँ। देख सकते हो कि लास्ट पिक्चर को मैंने मिडल में जहाँ पे 3 क्वार्टर्स लिखा है उसके साथ मैच किया है और 3 क्वार्टर्स को राइट साइड में जहाँ पे 3/4 लिखा है वहाँ पे मैच किया हुआ है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वन सी वेरी वेल। थैंक यू।